असलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं किताबों के डिज़ाइन एट्रीब्यूट जो हम सेलेक्ट करेंगे दो से लेकर कर चार साल तक के बच्चों के लिए और हम ये देखेंगे कि उन किताबों में जो विजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों के अटेंशन को ट्रिगर कर सकें उनकी क्योसिटी को और बढ़ा सकें और बच्चे उन किताबों से एक अपना अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें और अपने सीखने और सोचने के प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से वो क्या वेरिएबल्स हैं जो कि एक किताब के अंदर मौजूद होनी चाहिए जिससे बच्चा उस किताब को अपना दोस्त बना सके उससे अट्रैक्ट हो सके और उसको बार बार पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए सबसे पहला वेरिएबल है अटेंशन सो किताबों के अंदर जो हम दो से चार साल के बच्चों के लिए किताबें सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर ऐसे विजुअल्स होने चाहिए जो बच्चों की क्योसिटी और एक्सप्लोरेशन को ट्रिगर करें और बच्चे उन किताबों को पसंद करते हैं जिसको देख के उनके अंदर क्यूरोसिटी जो है अरोज हो जाए या उसके अंदर कोई एक्सप्लोरेशन के एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हों बच्चे सवाल कर सकें कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है अगर किताब के विजुअल्स और उसकी एलिमेंट्स जो हैं करेक्टर उसमें कोई सवाल पैदा नहीं करते तो वो किताबें बच्चों के लिए बोरिंग किताबें हो जाती हैं किताबों में जब फिक्शन होती है मिस्ट्री होती है तो बच्चों को किताबें बहुत पसंद आती हैं क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने पहले नहीं देखी होती उन्हें नहीं पता होता कि आगे क्या होने जा रहा है तो मिस्ट्री उनकी क्यूरॉसिटी को ट्रिगर करती है और मिस्ट्री को अनकवर करने के लिए विजुअल्स में हम छोटे छोटे से क्लूज देते हैं बच्चों को जिससे वो समझ सकें कि आगे क्या हो सकता है सो तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बच्चों की क्योरसिटी को जिंदा रखती हैं और उनकी अटेंशन को किताब के ऊपर फोकस करती हैं विजुअल अगर कंट्रास्टिंग कलर में बनाए जाएँ ज़बरदस्त विविड ब्राइट कलर्स में बनाए जाएँ प्लेन डायनामिक्स लाइंस हो, तो बच्चे उसे आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर किताब में हो क्या रहा है दूसरा आपके विजुअल्स का ग्राउंड फिगर रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है किताब का लेआउट है उसमें ग्राउंड है फिगर कहाँ खड़ा है उस दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं आसानी से कॉम्प्रिहड कर पा लेते हैं किताबें अगर कार्डबोर्ड की होती हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन रहती हैं बच्चे उसे देर तक इस्तेमाल करते हैं अगली और बहुत अहम चीज़ आती है कि जो आप किताब में बताना चाह रहे हैं बच्चे को क्या बच्चा वो उसे रिसीव कर रहा है जो कि कहलाता है ईजीनेस ऑफ प्रसप्शन सो एक बच्चा एक विजुअल को देख रहा है उसको पढ़ रहा है वो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि आप उसे उसमें क्या बताना चाह रहे हैं करेक्टर का एक्शन क्या है वो कर क्या रहा है ये कहानी में होने क्या जा रहा है सो so, बच्चा ये तभी प्रॉपरली रिसीव कर सकेगा अगर विजुअल सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं पेज में वो आपस में उनका आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप मौजूद होगा विजुअल एट्रैक्टिव होंगे और बच्चा उनको छूना चाहेगा और उन्हें जानना चाहेगा तो ही वो उसको प्रॉपरली रिसीव कर पाएगा कि आखिर क्या होने जा रहा है विजुअल के जो कलर्स हैं लाइंस हैं उनके आपस में रिलेशनशिप होने चाहिए जो पेज की स्पेसिंग है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल होना चाहिए और उसके अंदर फिक्शनल यूनिटी भी होनी चाहिए और वो अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे के लिए आसानी होगी कि जो आप उसे कन्वे करना चाह रहे हैं वो वो समझ सके जो करेक्टर्स के एक्शन है उसे पता चल सके कि कहानी कहाँ मूव हो रही है और करेक्टर क्या करने जा रहा है क्या चीज़ें विजुअल्स में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चों को कन्फ्यूज़ करती हैं और वो वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पाते जो आप उन्हें कन्वे कर रहे हो सबसे पहले आप विजुअल को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करो और उसके ऊपर लिखना शुरू करो तो बच्चों को ना लिखावा समझ आता है ना विजुअल क्लियरली नज़र आता है आप विजुअल को ऐसे ड्रॉ करो कि वो इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो कि वो कंफ्यूजिंग हो जाए या बुक के अंदर एक इेलीवेंट तरीके से विजुअल को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो जिसके अंदर उसे ये ना पता चल रहा हो कि ये स्पेस क्या है कलर क्या है और वहाँ कन्फ्यूजन मौजूद हो और वो विजुअल जो है उसको परसीव करना उसको रिसीव करना मुश्किल हो जाए कि इसके अंदर क्या एक्शंस हो रहे हैं सो so, जब हम बच्चों के लिए किताबें सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो उनके विजुअल और ऑब्जेक्ट क्वालिटी को देखना बहुत ही ज़रूरी है थैंक यू सो मच